मंडी में फसल बेचना भी अब किसानों के लिए टेढ़ी खीर बनता जा रहा है। हरियाणा की रादौर मंडी में उठान के कार्य के चलते सोमवार को मंडी में जाम की स्थिति बनी रही। हालात ऐसे बन गए कि फसल लेकर पहुंच रहे किसानों की सड़क पर 1 किलोमीटर लंबी लाइन लग गई। वहीं गेट पास काटने के लिए भी किसानों की लंबी कतारें देखने को मिली। मंडी में फसल लेकर पहुंचे किसानों का आरोप था कि गेट पास के नाम पर किसानों को परेशान किया जा रहा है। कुछ किसानों ने बताया कि किसानों के पास सरकार की ओर से जो संदेश भेजे जा रहे हैं उनमें भी काफी खामियां सामने आ रही हैं। किसान जब संदेश के हिसाब से अपनी फसल लेकर मंडी में पहुंचता है तो जब गेट पास के लिए जांच की जाती है तो वो संदेश से कम फसल दर्शाता है, जिससे कई दिन बाद भी मंडी में फसल की खरीद नहीं हो पा रही है। वहीं इस बारे में जब मार्केट कमेटी सचिव जय सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि रविवार को खरीद बंद होने के कारण आज मंडी में जाम की स्थिति बनी है। वहीं उन्होंने किसानों के पास खरीद को लेकर जा रहे संदेशों के बारे में माना कि यह समस्या किसानों को आ रही है, जिसके लिए ई खरीद पर समस्या 3.5 घंटे ये और काम बोझ धर्मशाला पर लगे थे और आज ही तहसील पाए, सारे दिन के हम भूखे बाने और रात के हम 4 बजे चले हुए हैं। तो सरकार समस्या तो अभी ये लाइन वहाँ जाके मंडी में तभी पता लगा वहाँ क्या रहा। हम तो बाहर रन वास्ते में बैठे भूखे बाने यहाँ से। तो ये समस्या जो आई है जैसे जाम लगा है, ये पहली बार आई है ऐसा? हाँ, ये पहली दफा ही आई है। और पहले क्या था स्थिति? पहले वो जहाँ थे गेट पास ले थे और अपना माल तलवा के आ जाते, जब भी मतलब वो पोर्टल के हिसाब से मैसेज आवा था मोबाइल में गेहूँ की फसल में। तो अब मैसेज जो है परसों का आ रहा, किसी का 3 क्विंटल का, किसी का 4 क्विंटल का बस। और किला दिखा रहे हैं 25 क्विंटल लेंगे। तो जिम्मेदार तो यहाँ फंस गया ना, कभी कह दे वेबसाइट नहीं चल रही हमारी है। तो अब ये वेबसाइट हम थोड़ी ना चलावेंगे, ये तो गवर्नमेंट का काम है। क्या मांग करते हैं आपको? मांग तो यही है अभी ये जो टाइम पे हमारी फसल मंडी में चली जा, अगली फसल जो रबी की फसल जो है गेहूं की, हम ठीक टाइम पर बो सका है। तो इसी हालात में जैसे चल रही है हालात, तो इससे रबी की फसल भी लेट हो सकती है? हाँ बिल्कुल लेट होगी। आगे जितनी भी अब ये जिसने सब्जी का काम कर रहा, सब्जी का कारोबार कर रहा, वो भी लेट हो गया, तो जिम्मेदार क्या करेगा बताओ। तो परसों की मेरी यहाँ से धान लेके आया हूँ मैं, और परसों का इन्होंने गेट पास नहीं काट करके दिया। और अगर इन्होंने चले ही टाइम से पहले यहाँ से चले गए, इनकी साइटनी वगैरह चली हुई थी, तो परसों की मेरी धान यहाँ पे पड़ी है लगभग 60 क्विंटल। और यहाँ पे जब आया इनके बार, जब वहाँ पे पूछा उनको कि कितने क्विंटल का, 11 क्विंटल का, तो मैंने इनके मार्केट कमेटी में अंदर आया मैं, तो इनके साथ मेरी बातचीत हुई। इन्होंने बोला कि जैसे भी सर सरकार पीछे से मैसेज भेज रही है उसी हिसाब से हम करेंगे, इसके अलावा हम इसका कुछ भी समाधान नहीं कर सकते हैं, तो सरकार ही करेगी। अब ये परसों 3 दिन से मेरी यहाँ पे धान पड़ी है और मैं परेशान हो गया हूँ, दिन रात यहाँ पे, रात को भी यहाँ पे रहना पड़ता है, जैसे कि अपनी फसल पड़ी है। और सरकार ने बिल्कुल ही बेकार काम किया हुआ है, अच्छा काम नहीं है ये। अब सभी यहाँ पे तंग हुए हैं। अब ये लगा लो कि दो दो किलोमीटर की लाइनें लगी हुई हैं ट्रैक्टर ट्रॉलियों की, और यहाँ पर इतनी व्यवस्था नहीं है जितनी, जैसे कि यहाँ पर ज़्यादा पड़ी है, जीरी पड़ी है, वो उठाई नहीं गई पहले वाली, आगे और लेके आ रहे हैं अंदर। अब ये ट्रैक्टर ट्रैली वाले कितने परेशान हैं सर। 55,000 क्विंटल आ चुकी है जी, जो कल मंडी में बोली ना होने के कारण किसानों को रोका गया था, जिसकी वजह से आज अधिक किसान आने की वजह से मंडी में जीरी डालने की समस्या का समाधान करना पड़ रहा है। ऑनलाइन जैसे साइट वगैरह भी बता रहे हैं कि वो स्लो चल रही है ऐसा? नहीं, ऑनलाइन साइट तो ठीक चल रही है आज। अच्छा हाँ जी। तो ये जो भीड़ लगी है बाहर, ये जाम जो लगा है किसानों का, ये कारण? गेहूँ गिरने जीरी डालने के लिए मंडी में पर्याप्त जगह न होने के कारण किसान जाम लगा हुआ है, और लगातार किसानों के 2 दिन की जो जीरी रुकी हुई थी वो उनके आने की वजह से मंडी में जाम लगा हुआ है। तो क्या कुछ प्रबंध जो है ना किए जा रहे हैं? प्रबंध किए जा रहे हैं, इसके लिए देखते हैं, DM साहब बैठे हैं, SDM साहब बैठे हैं, ठीक है, उसका समाधान जल्दी निकाल लिया जाएगा। समस्या जो है किसानों के सामने फेस करनी पड़ रही है किसानों को, कि जो मैसेज आ रहे हैं वो जैसे किसी के पास 20 क्विंटल का मैसेज आया लेकिन यहाँ पर 2 क्विंटल, किसी के पास 3 क्विंटल ऐसे दर्शाया जाता है जब गेट पास कराने के लिए आते हैं, ये क्या समस्या है? सर ये समस्या पोर्टल में है। यदि जैसे किसान पे 150 क्विंटल का कोई मैसेज आता है, किसान के साथ से 99 क्विंटल का मैसेज है, लेकिन पोर्टल पर उसे
सिर्फ 20 क्विंटल दर्शाई गई है। इसके लिए हमें ई खरीद पे मैसेज दिए हुए हैं, जैसे ही वहाँ से समस्या का समाधान होगा तब ठीक कर दिया जाएगा। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.